जब आप नई क्लास में आते हैं तो आपको टीचर का नाम नहीं पता होता और टीचर को आपका नाम नहीं पता होता है ना। तो फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को कैसे संबोधित करेंगे। चलो मैम तो आपको बता देंगे कि भाई मैम ने पढ़ाया, लेकिन कौन सी मैम ने पढ़ाया ये नहीं बता पाओगे ना। और टीचर भी आपको नाम से संबोधित नहीं कर पाएंगी, चिल्ड्रंस बच्चे किस किस को बोलेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे का नाम जानना, एक दूसरे के विषय में जानना, एक दूसरे के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नाम क्या है क्या करते हैं। तो उसी विषय पे आज हम क्लास फोर्थ का लेसन टू का अध्ययन करेंगे, लेट्स नो वन अनदर। आओ जाने एक दूसरे को, ठीक है। क्लास में जो एंट्री होने के बाद, क्लास में फर्स्ट डे जब इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे का परिचय होता है, उसको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो टीचर कहती है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। फिर टीचर कहती है, चिल्ड्रन आई एम सीमा। पहले टीचर अपना परिचय देती है, बच्चों आई एम सीमा, मैं सीमा हूँ। आई एम योर टीचर, मैं हूँ तुम्हारी टीचर, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, अब सबसे पूछ रही हैं वो वन बाय वन, एक एक करके, एक तरफ से जैसे रो से पूछते चले जाते हैं। तो सबसे पहले अरुण उठा, अरुण ने बोला आई एम अरुण, मैं अरुण हूँ। सेकेंड नंबर पे गरिमा थी, गरिमा उठी, गरिमा ने बोला माय नेम इज़ गरिमा, मेरा नाम गरिमा है। फिर सारी क्लास का इस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। फिर दोबारा से टीचर ने पूछा, जब सब बच्चों का इंट्रोडक्शन हो गया, सब बच्चों का नाम पता चल गया मैम को, तो मैम ने बच्चों को उठा के पूछा, विमल नाम से संबोधित किया, विमल वेयर डू यू लिव, वेयर मीन्स कहाँ, डू यू लिव कहाँ रहते हो तुम, विमल तुम कहाँ रहते हो। तो विमल ने आंसर किया, विमल ने कहा मैडम आई लिव इन रामबाग, मैडम मैं रहता हूँ रामबाग में, मैं रामबाग में रहता हूँ। फिर टीचर ने पूछा, और बच्चों का नाम पता चल गया सबका, तो फिर टीचर ने तनु से पूछा, तनु वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। तनु ने आंसर दिया मैडम आई लिव इन लालपुर, मैं लालपुर में रहती हूँ। फिर टीचर ने और बच्चों से पूछा, जूही व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, जूही तुम्हारे पापा का क्या नाम है। जूही ने आंसर किया मैडम माय फादर्स नेम इज श्री राम कुमार, मेरे पापा का नाम श्री राम कुमार है। फिर टीचर ने पूछा व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा क्या हैं, यानी कि क्या काम करते हैं। जूही ने आंसर दिया मैडम माय फादर इज अ फार्मर, किसान, मैडम मेरे पिता किसान हैं, ठीक। टीचर ने फिर पूछा राकेश, दूसरे बच्चे से, राकेश व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है। राकेश ने आंसर दिया मैडम माय मदर्स नेम इज़ श्रीमती कमलेश, मेरी मम्मी का नाम, मेरी मदर का नाम, मेरी माता का नाम श्रीमती कमलेश है। टीचर ने सोनू से पूछा, सोनू व्हाट इज़ योर मदर, तुम्हारी माता क्या करती हैं। सोनू ने आंसर दिया मैडम शी इज़ हाउसवाइफ, मैडम वह एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ गृहिणी। टीचर ने फिर पूछा मनु हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मतलब जो घनिष्ठ मित्र होता है,
हु कौन, कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र? तो मोनू ने आंसर दिया मैडम, मनु ने आंसर दिया मैडम माय बेस्ट फ्रेंड इज अरुण, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा घनिष्ठ मित्र अरुण है। ठीक है बेटो, ठीक है बच्चों, यहाँ हमने इस लेसन का अध्ययन किया लेट्स नो वन अनदर। इसी उसमें हम यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हार्ड टिपिकल वर्ड हैं उनके हमने यहाँ मीनिंग बताए हैं। इसी चीज़ को आप अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं अपने फ्रेंड से, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, है ना, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर फादर्स, क्या करते हैं तुम्हारे पापा, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपस में एक दूसरे से टॉकिंग वे में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना एक दूसरे का परिचय, और इसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में टॉक करना, बात करना सीखेंगे। गुड बाय बेटा।